हेलो मेरे गेमर, एक और नई वीडियो लेकर आते तुम्हारा काम। आज के इस वीडियो में तुम्हें ऐसी डील बताने वाला हूँ, अगर तुमने उन्हें मास्टर कर लिया तो तुम्हारी क्लोज एंड भाई अलग लेवल पे जाने वाले, ठीक है। अब देखो, कभी भी हमारे पे 1v4 या 1v3 का पुश होता है हमारे पे, तो वो टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि हम नेड माहौली से एक या दो बंदे डाउन कर सकते, क्योंकि तभी वो फाइट हम ईजी जीत सकते हैं। अब लेकिन हम नेड माहौली तो उठाते हैं, लेकिन हमें करना ठीक से नहीं आता है, और करना भी आता तो हम कई मेज कुछ छोटी छोटी सी यार गलतियाँ कर देते हैं, जिनकी वजह से हम वो नेट माहौली करते टाइम हम मार खा जाते। तो आज की वीडियो में तुम्हें ऐसी चार डील बताने वाला हूँ जिनको अगर तुमने मास्टर किया तो भाई तुम लो जोन में नेट माहौली भाई गलत लेवल पर करने वाले, ठीक है। अब सीधा विदाउट टाइम वेस्ट किए हम सीधा चलते ट्रेनिंग ग्राउंड में। लेकिन अगर उससे पहले एक बात और, अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही गेमिंग रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ। अब देखो, ट्रेनिंग ग्राउंड में आने के बाद तुम्हें नॉर्मल यहाँ पे आना है और तुम्हें एक कोई सी एक गन पिकअप करनी है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे स्कार उठाई और यहाँ पे एक एक्सटेंड मैग लिया, और यहाँ पे कोई सा भी तुम स्कोप ले लो, एक जो भी। अभी यहाँ पे मैंने एक लिया, यहाँ पे अपना रेड डॉट लगाया और तुम्हें यहाँ इस जगह पे आ जाना। अब देखो, डे नंबर वन में तुम्हें करना है ये, यहाँ पे आना, तुम्हें हार्ड को सिलेक्ट करना, और यहाँ पे देखो तुम्हारे सामने एक टारगेट चलने लगे मिनिमम 60 मीटर पर। अब तुम्हें यहाँ पर नेड करना है, वो भी बरोबर टाइमिंग पर, कि तुम्हारा जो नेड है ना वो बरोबर उसके मुंह पे जाके फटे। यहाँ पे जैसे मैंने नेड किया है, निकाला है, और ये मैं नेड कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये देखना कि बरोबर नेड है मेरा वो टारगेट पे जाके फट रहा है, वो यहाँ तक कि मेरा नेड नीचे तक नहीं गया। हम क्या करते हैं, हम नेड लेते हैं और सीधा फेंक देते हैं, क्योंकि कोई भी बंदा, आजकल हर कोई बंदा यार ईयरफोन हेडफोन लगा के खेलने लगा है, तो उसे साउंड आता है और वैसे वो नेड की जगह से भाग जाते हैं। हमें वो गलती नहीं करना, हमें नेड बरोबर कुक करके फेंकना है। अब देखो, डील नंबर टू में कहीं जाने की जरूरत नहीं, उसी जगह पे तुम्हें फिर से वो टारगेट को स्टार्ट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे चालू किया। अब तुम्हें यहाँ पे नेड लेना है, ठीक है। अब जो मैंने नेड लिया, उसको फट से क्यों मैंने कैंसिल किया। अब नेड तुम्हें कैंसिल करके गन निकाल के इसको खोल के फायर करना है। क्या होता है ना, अब मान लो सामने कोई एनिमी हम पे पुश करो, हम नेड फेंक रहे घर में, और पता चला कि कोई दूसरा बंदा हमारी क्लोजिंग में आ रहा है, तो वो टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपना नेड कैंसिल करके अपनी गन निकाल के उस पर फायर कर सकें। और इसको खोलना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे पर बहुत कम टाइम बचता है यार उस टाइम पे कि हम बंदे को डाउन दे पाए, इसलिए हमेशा इसको खोल के मारना। अब देखो, डील नंबर तीन में आ जाना है, और डील नंबर तीन में तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं, अपना नेट निकालना है, कैंसिल करना है, और फिर से फ्री फायर देना है। नेट कैंसिल, फ्री फायर। ऐसे होता है कि हम जैसे किसी भी घर में नेट करते हैं और बंदे को साउंड आ जाता है कि कोई हम पे नेड करे, तो बंदे सीधा हमारे मुंह पे कूद जाता है, या फिर अदरवाइज हम ऐसा होता है कि हम नेड लेके को फेंकने वाले कि कोई दूसरा बंदा हमारे क्लोज में आ गया, तो वो टाइम पे कैंसिल करके गन निकाल के फायर करना भाई, उसमें हम हर बार मर जाते हैं। लेकिन हमें वैसी कोई गलती नहीं करनी, हमें इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि हमारे नेट फट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नेट मैंने कैंसिल कर रहा हूँ, वैसे यहाँ पर फ्री फायर दे रहा हूँ। इससे क्या होगा, अगर तुम नेड करो, कोई बंदा तुम्हारे क्लोज में आके तुम पर फाइट भी ले रहा है, तो वो टाइम पर तुम एकदम यार एकदम फास्टली यार नेट कैंसिल करके तुम फायर दे सकते हो, ठीक है। और फिर से एक बार, अगर चैनल नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी गेमिंग रिलेटेड वीडियो लेके आता हूँ। अब देखो, तुम्हें डी नंबर चार में करना क्या है। अब देखो, कभी हमारी क्लोजिंग में फाइट होती है या हमारे टीममेट नॉक होते हैं, तो वो टाइम पे हमें स्मोक माहौली या नेट जो भी करना रहता है, तो हमें उसको ओपन करना पड़ता है यार, कि वो नेट वाली जगह प्रेस करना, फिर उसके बाद सिलेक्ट करना, हमें नेट करना, उनमें हमें यार टाइम जाता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है यार, क्योंकि हमें कभी क्लोज रेंज में इतना हमें टाइम नहीं मिलता है यार कि हम इतना सेलेक्ट करके, क्योंकि हम क्लोज रेंज जब फाइट होती है तो मिनिमम एक या दो सेकंड का काम होता है यार, कि वो टाइम भैया तुम अच्छा उसे मार के निकल जाओगे, वो तुम्हें मार के, तो तुम्हें इतना टाइम नहीं मिलेगा कि तुम्हें ये सिलेक्ट करने का। अब तुम्हें इस जगह पर आ जाना, और जैसे मैंने प्रेस किया वैसे ही तुम्हें नेड माहौली भर भर के उठा लेना। अब तुम्हें इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि अगर तुम फट से देखो लेफ्ट को एकदम प्रेस करोगे तो तुम्हारी हेल्थ निकलेगी, हल्का से लेफ्ट को ऊपर प्रेस करोगे तो तुम्हारी माहौली, और एकदम मिडल में ऊपर प्रेस करोगे तो तुम्हारा नेड, और हल्का से उसके राइट प्रेस करोगे तो स्मोक, और एकदम राइट प्रेस करोगे तो स्टैंड ग्रेड। तुम्हें अब इस चीज़ की डेली ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस करनी है। अगर तुम डेली इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हो कि तो तुम आँख बंद करके तुम जो चाहोगे यार वो तुम्हारी तुम निकाल सकते हो यार, वो बोलते हैं ना बाबा जी की पोटली में जो कुछ भी निकाल सकते हो, वैसे ही तुम्हारा हो जाएगा कि तुम आँख बंद करके तुम्हें जो करना रहेगा नेड माहौली स्मोक जो भी आदर यार वो सब तुम आँख बंद करके छोड़ो।